पूरे देश भर में लोकसभा चुनाव को लेकर सभी राजनीतिक पार्टियां जोर शोर से प्रचार में जुटी हुई हैं। देश की राजधानी दिल्ली में भी भारतीय जनता पार्टी के द्वारा प्रचार में कोई कमी नहीं छोड़ी जा रही है। दिल्ली में जैसे जैसे मतदान की तारीख नजदीक आ रही है, नेताओं के हमले तीखे होते जा रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी अपनी सभा में कांग्रेस और आम आदमी पार्टी पर निशाना साध रही है, तो वहीं कांग्रेस और आम आदमी पार्टी गठबंधन भी भारतीय जनता पार्टी पर लगातार हमलावर है। इसी कड़ी के चलते दिल्ली के सरोजनी नगर इलाके में भारतीय जनता पार्टी के द्वारा जनसभा का आयोजन किया, जिसमें मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने शिरकत की। मुख्यमंत्री मोहन यादव ने भारतीय जनता पार्टी की नई दिल्ली से लोकसभा उम्मीदवार बांसुरी स्वराज के लिए जनता और कार्यकर्ताओं से उनके हित में मतदान करने की अपील की। मुख्यमंत्री ने अपने संबोधन के दौरान कांग्रेस और आम आदमी पार्टी पर जमकर निशाना साधा। मुझे इस बात की प्रसन्नता, नई दिल्ली लोकसभा सीट पर बांसुरी स्वराज जी के लिए मैंने अपने लोकसभा चुनाव के लिए यहाँ सभा ली है और हमने जनता से अपील की है कि फिर एक बार मोदी सरकार, और मुझे पूरा भरोसा है जनता निश्चित रूप से मोदी जी के साथ है और दिल्ली की सातों सात सीटें हम एक बार फिर जीतने वाले हैं। मेरी अपनी ओर से स्वाति मालीवाल मामले में दूध का दूध पानी का पानी हो गया है, जितने झूठ आप पार्टी बोल सकती वो उसकी पराकाष्ठा कर रही है, जनता सब जान रही है, इसीलिए इस बारे में कुछ बचा नहीं है, मुकदमा बना है, जमानतें हो रही है। जनता से संबोधन के दौरान मुख्यमंत्री मोहन यादव ने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि आज कांग्रेस पार्टी संविधान बचाने की बात कर रही है, ये वही कांग्रेस पार्टी है जिसने संविधान के खिलाफ सबसे बड़ा खिलवाड़ किया था और 100 से ज्यादा संशोधन कांग्रेस पार्टी के राज में किए गए थे। कांग्रेस कह रही है कि इस देश में हम संविधान बचाएंगे, अरे संविधान के साथ तो जितना बड़ा खिलवाड़ कांग्रेस ने किया, 100 से ज्यादा संशोधन बार बार नेहरू जी ने, 17 बार, 20 बार इंदिरा गांधी ने, 21 बार राजीव गांधी ने, 10-10 बार दोनों बार। वहीं संबोधन के दौरान मुख्यमंत्री मोहन यादव ने आम आदमी पार्टी की राज्यसभा सांसद स्वाति मालीवाल पर हुए हमले में आम आदमी पार्टी को घेरा। मुख्यमंत्री मोहन यादव ने आम आदमी पार्टी को सबसे बड़ी झूठी पार्टी बताया। उन्होंने कहा कि ये वही लोग हैं जिन्होंने कहा था कि हम राजनीतिक पार्टी नहीं बनाएंगे, और तो और मुख्यमंत्री केजरीवाल ने कहा था कि मैं सरकारी बंगला नहीं लूंगा, लेकिन आज सच सबके सामने है। अन्ना हजारे के साथ आंदोलन किया, आंदोलन में ने कहा कि हम भ्रष्टाचार के खिलाफ आंदोलन कर रहे हैं, भ्रष्टाचार के खिलाफ आंदोलन कर रहे हैं, वो राजनीतिक दल नहीं बनाएंगे, राजनीतिक पार्टी नहीं बनाएंगे। बेचारे अन्ना हजारे झूठे बोल रहे हैं। अन्ना हजारे ने कहा था कि राजनीतिक पार्टी नहीं बनना चाहिए, उनके राजनीतिक गुरु की बात भी थी मानी और राजनीतिक पार्टी बनाई, फिर झूठ बोला मैं सरकारी बंगला नहीं लूंगा, लेट में से काम चला हुआ, अब फ्लेट भी कहा गया, आलीशान कोठी बना ली, रोज एक के बाद एक, और तो इनके लिए कानून भी कम पड़ते हैं, इनके अपने कर्म ऐसे हैं, रोज एक के बाद एक। वो झूठ तो इतनी सफाई से बोलते हैं कि इनकी सांसद, पहली बात तो सांसद कितने लिमिटेड है, राज्यसभा सांसद इनके महल के अंदर जाती, आप बताइए कोई किसी सीएम हाउस में भी, मेरा भी सीएम हाउस है, लेकिन सीएम हाउस में मेरी परमिशन के बगैर कोई दरवाजे के अंदर आ कैसे सकता है, और दरवाजे के अंदर आ जाए और आने के बाद उसके साथ बदतमीजी हो जाए, किसी के घर में आप सब घरपाल वाले हो, किसी के घर में अगर कोई बदतमीजी होगी तो घर का मुखिया जवाबदार होगा कि नहीं होगा, वो कैसे बच सकता है, वो आप मारो भी सही, रोने भी मत दो, रिपोर्ट भी मत करने दो, वो रिपोर्ट हो जाए तो वो भी दूसरे का दोष, अरे चीफ सेक्रेटरी के साथ बदतमीजी करोगे, कितने लोगों के साथ बदतमीजी करो, वो सरकार क्या चला रहा, लगातार एक के बाद एक आपके व्यक्ति रोज जेल जाते जा रहे हैं, लेकिन आपने कहा मैं मुख्यमंत्री हूँ, तो मुख्यमंत्री मतलब सबके ऊपर हो गया क्या, मुख्यमंत्री का मतलब क्या हो गया, हमने अपनी शपथ मंत्रिमंडल के साथ, मुख्यमंत्री की भी शपथ होती है, हमने कहा इस संविधान का पालन करेंगे, सत्य निष्ठा से ईमानदारी से पालन करेंगे, लेकिन मुझे तो लगता है दिल्ली की जनता का भी बड़ा अपमान कर रहे हैं, क्योंकि बड़ी उम्मीद से दिल्ली की जनता ने इनकी सरकारें बनवाई थी, जितने लोगों ने वोट दिया उनका सबका अपमान कर रहे हैं, ये वह केवल कुर्सी की खातिर, केवल कुर्सी चाहिए, कुर्सी के अलावा कुछ नहीं चाहिए,
और सुबह से शाम पानी पी पी करके एक ही आदमी इनको लगता है ये भाजपा और भाजपा के साथ मोदी जी को गाली बकना। अरे भैया मोदी जी के लिए आपको 100 जन्म कम पड़ जाएंगे इस निष्कलंक व्यक्ति बनने के लिए मोदी जी की तरह। ये आपकी तरह नहीं है कि आपके बाद आपकी फैमिली फर्स्ट में अब सुनीता केजरीवाल जी महिलाओं का नेतृत्व करने बुला रहा हूँ। आपके घर के अलावा किसी पे भरोसा ही नहीं है। बता दें कि दिल्ली में 25 मई को मतदान है। ऐसे लोग जो मतदान करने के लिए बूथ पर नहीं जा सकते हैं, उनसे चुनाव आयोग की टीम घर जाकर वोट ले रही है। दिल्ली में कुल 5,406 लोगों से घर जाकर चुनाव आयोग को वोट लेना है। सोमवार तक 4,967 लोगों से वोट लिया जा चुका है, यानी अभी भी चुनाव आयोग ने 91.88% लक्ष्य पूरा भी कर लिया है। 24 मई तक ये लक्ष्य 100% पूरा करना है। दिल्ली से राकेश सोनी, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।